कुछ लोग नए नए इंस्टाग्राम फोटो छोड़ रहे हैं या फिर वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। तो आज मेरा मूड तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर भी वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और आज एक छोटा सा न्यूज़ और गुड न्यूज़ बोले तो एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म मैं बना रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं इस चैनल में तो अपलोड करूँगा नहीं, वो कोई और चैनल होगा या फिर नया चैनल क्रिएट कर देंगे, इसमें कोई बड़ा बात है नहीं, क्योंकि ये ब्लॉगिंग का चैनल है तो इसमें नहीं अटैच करूँगा तो अच्छा। अगर चैनल नया बनाऊँगा तो नीचे से मैं लिंक दे दूँगा इसमें या फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बता दूँगा तुमको। इसके लिए बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम में फॉलो कर देंगे, आपको पता चलेगा जब मैं शॉर्ट फिल्म बनाऊँगा। अब तो कुछ प्लानिंग सिर्फ हुआ है, स्टार्ट हुआ नहीं कुछ काम, स्टोरी और लिरिक्स में थोड़ा काम चल रहा है, वो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करने में आपको अपडेट देते रहूँगा इंस्टाग्राम में, इसीलिए बोलता हूँ इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे। वैसे आजकल देख रहा हूँ हर किसी का बर्थडे आ रहा है, कल किसी का बर्थडे था और आज भी अजय का बर्थडे, जो डेली स्टोरी में खाली बर्थडे स्टेटस लगाना पड़ता है। अच्छा बात है, लेकिन इतना ज़्यादा बर्थडे इसी वक्त क्यों आ रहे क्या पता, कमेंट करके बता देंगे। और मौसम का हाल बताऊँ तो अरे यार क्या कहूँ, डेली सुबह देख रहा हूँ धूप तो बहुत तेज निकल रहा है, लेकिन इसे दोपहर होते जा रहा है ना बारिश होना शुरू हो जा रहा है। वैसे शॉर्ट मूवी जब आएगा तब आएगा, लेकिन मैं अभी प्लान कर रहा हूँ एक वाइंस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। कल परसों शूट करूँगा और दो चार दिन में एडिट करके अपलोड करूँगा, इसी चैनल में अपलोड होगा, तो उसको भी देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और जिस वाइंस में मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अभी, उसमें माही का बहुत अच्छा रोल है, तो जरूर देखेंगे, लाइक भी कर देंगे माही के लिए, हिट द लाइक बटन। गाइस बाहर इतना अंधेरा है, पूरा अंधेरा दिख रहा है यहाँ पे, उजाला इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे एक बल्ब जला दी हूँ जो रात को जलता है कि मैं भी जाती हूँ, इसीलिए इतना उजाला थोड़ा दिख भी रहा है, लेकिन एक्चुअली बोलो तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है बाहर। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो कभी स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ, जैसे कि अभी बात करूँ आपसे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे ही करता हूँ क्योंकि ब्लॉगिंग तो ऐसे ही होता है। लेकिन जब अगर आप कोई वॉइस वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई अच्छा टॉपिक वाला वीडियो शॉर्ट फिल्म बनाए तो स्क्रिप्ट तो बहुत ज़रूरी है। तो पहली बार मैं आज लिखने जा रहा हूँ स्क्रिप्ट, सोचता हूँ कुछ लिखता हूँ। और जो लाइटिंग का सोच रहे हैं आप, यहाँ पे बहुत अच्छा लाइटिंग नहीं आ रहा है बाहर, नहीं होगी बहुत बादल हो चुका है, तो इसी में एडजस्ट कीजिए जैसे दिख रहा हूँ। मुझे पता है मैं आधा दिख रहा हूँ आधा नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन जोगाड़ू इंसान है हम लोग जोगाड़ लगा ही लेते हैं। दिखाना नहीं है सस्पेंस। तो स्क्रीन का काम 90% कंप्लीट हो चुका है, और बाकी जो रात को अभी रात को दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करता है खाना वाना खाने के बाद, इसीलिए अभी मैं यही करता हूँ। तो स्टोरी ये है कि ऑडिशन, मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, ये तो सस्पेंस होना चाहिए ना। बादल का साउंड, एक चीज़ मैं हमेशा सोचता हूँ आप लोगों को बताऊँ लेकिन भूल जाता हूँ, एडिट करने का टाइम याद आता है कि अरे यार ये बताना था भूल गया, तो अभी बताता हूँ याद आ गया। तो बादल जो घर जाना दिमाग काम कर दिया। तो मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ वो एक छोटा सा फिल्म है, शॉर्ट फिल्म भी बोल सकते हैं, एक घंटा या आधा घंटा का होगा, लेकिन एक फिल्म है। तो मैं बहुत लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा उसमें काम कर रहा हूँ, मतलब मैं उस फिल्म दिखूंगा तो नहीं, बिहाइंड द सीन में काम कर रहा हूँ, और मतलब स्टोरी के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, हम स्टोरी बना रहे हैं, और थोड़ा सा डायरेक्ट भी थोड़ा सा मैं शायद कुछ सीन्स डायरेक्ट करूँ, क्योंकि मेरा भी बहुत मन है हमेशा कि डायरेक्ट करने का कोई फिल्म कहीं मिलेगा तो वो सपना है उसको हटाता हूँ। छोटा मोटा फिल्म हम कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए, बाद में तो कुछ होगा अलग। तो कुछ लोग नए नए इंस्टाग्राम फोटो छोड़ रहे हैं या फिर वीडियो यूट्यूब पे बना रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेट मिलता है, और नए नए हैं तो कुछ लोग भी परफेक्ट कोई चीज़ करते नहीं, जैसे कि कुछ एडिट किया फोटो तो वो परफेक्ट नहीं होता है और पोस्ट करते हैं, क्योंकि खुद को नहीं पता होता कि परफेक्ट है कि नहीं है, तो उससे बहुत ज़्यादा हेट मिलता है और बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और वो लोग फिर डिसअपॉइंट होकर फोटो डिलीट कर देते हैं या फिर आईडी बंद कर देते हैं, ज़्यादा झेल नहीं पाते वो लोग। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा करना सही नहीं है, मैं भी बहुत पहले बहुत ख़राब फोटो अपलोड करता हूँ, जो अभी मैं देखता हूँ तो मैं खुद हंसता हूँ, अरे ऐसा टाइप का फोटो मैं एडिट किया था क्या, लेकिन उसको आज तक कभी डिलीट नहीं किया हूँ। हाँ उसमें लाइक आया कि मत आए, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है लाइक का, मैं अपना फोटो अपलोड कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, बहुत लोग कमेंट में भी
नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो सब मैं इग्नोर कर देता हूँ। अच्छे कमेंट्स को दिल में रखता हूँ, नेगेटिव कमेंट्स को दिमाग में रखता हूँ और ऐसे ही आगे चल रहा हूँ। और फोटोज़ या फिर वीडियो बनाना यूट्यूब में मैं ये बंद नहीं कर रहा हूँ और कभी करूँगा भी नहीं। भले लाइक आए, व्यू आए, कुछ आए, कीमत आए कि जीरो भी चले, मेरे से कोई मतलब नहीं। मैं वीडियो बनाऊँगा तो मतलब बनाऊँगा। आप लोगों को पसंद आ रहा है मेरे वीडियो तो आप लाइक करेंगे, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं खुश हूँ, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं कोई डिमांड नहीं है। तो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, नहीं लगा तो डिसलाइक करेंगे, लेकिन ज़रूर करेंगे। बस गाइस, आज की वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब। छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो में ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका तैयारी में लगा हुआ हूँ और वो वीडियो बहुत धांसू होने वाला है, क्योंकि पहली बार मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसको एडिटिंग का भी बहुत अच्छा काम होगा। ग्रीन बैकग्राउंड में शूट करूँगा, जगह चेंज करना है ना इसलिए। तो उसको देखेंगे, जरूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर प्रेस करेंगे ताकि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया के साथ, फिर मिलेंगे, चलते चलते बाय। तो स्वागत है आपका जीरो होंडा प्रेजेंट्स रोडीज में।